जुलाई 2024 में अगर आप एक लैपटॉप खरीदना चाहते हो 60,000 से लेकर 70,000 तक का ऐसा कुछ बजट है, मतलब आपको 50 से ऊपर वाले लैपटॉप खरीदने हैं, तो ये वीडियो काफ़ी सही रहेगी। इस वीडियो में आपको सारे बेस्ट लैपटॉप की एक लिस्ट बता दूंगा, जिससे आपको अपना डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्निकल। आप शुरू करते हैं। 60,000 और 70,000 का जो है प्राइस सेगमेंट ना, अक्सर होता है कि थोड़े आपके प्रोफेशनल ग्रेड के वर्क करने, कोडिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, फोटो एडिटिंग करनी है, फिर ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, ऐसा कुछ भी कॉम्प्लेक्स टास्क करना है तो आपको इस बजट में जाना पड़ता है। या फिर एक और कंडीशन हो सकती है कि आपको थोड़ा प्रीमियम लुक एंड फील चाहिए होता है अपने लैपटॉप में, और आप ऐसे 80-90 हज़ार तक का बजट नहीं ले जाना चाहते हो। तो इस वीडियो में मैंने ये मेक श्योर किया कि मैं हर टाइप के लैपटॉप को यहाँ पर इंक्लूड कर दूँ एवरीडे यूज़ के लिए। कोई भी गेमिंग लैपटॉप ये लेविस वीडियो में नहीं है, उसका वीडियो ऑलरेडी है मेरे चैनल पे, आप जाके वो वाला देख सकते हो। जितने भी लैपटॉप बताऊंगा मैं, सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वैसे तो है, लेकिन आप वीडियो पूरा अंत तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा ना कि एक पर्टिकुलर लैपटॉप मैंने क्यों चूज़ करके इस वीडियो में सेलेक्ट किया है, और आपको एक अच्छा डिसीजन लेने में इससे हेल्प हो जाएगी। शुरू करते हैं सबसे पहले जो ना लो बजट कैटेगरी से, और ये है 60,000 के अंदर की कैटेगरी, तो मतलब 50 से 60 के बीच में जो भी लैपटॉप आते हैं। सबसे पहला लैपटॉप जो आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपको जैसे ना 50 से थोड़े से ज़रा सा ऊपर का आपको बजट है, तो आप ये लैपटॉप एक खरीद सकते हैं, लिनोवो का थिंकपैड E14। काफ़ी अच्छा सा लैपटॉप है, राइजन 5 7530U वाला प्रोसेसर लगा, जिसमें कि 6 कोर होते हैं, 4.5 GHz तक की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, और इसमें एक IPS डिस्प्ले भी है 300 nits की ब्राइटनेस वाला, 16 GB की रैम है, 512 GB की SSD है, विंडोज 11 और ऑफिस 2021 का भी इसमें सपोर्ट मिलता है। तो एक फीचर पैक्ड लैपटॉप है, मतलब कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई है, और आपको काफ़ी सही बजट पे एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी का लैपटॉप जो कि थिंकपैड सीरीज का है, बिलिट्री स्टैंडर्ड के इसमें जो है काफ़ी सर्टिफाइड से होते हैं। और एक अच्छी बात यहाँ पर यह भी है कि नंबर ऑफ पोर्ट्स में भी आपको कोई कम्प्रोमाइज नहीं करें, यहाँ पर इवन ईथरनेट पोर्ट भी मिलता है, जो कि बहुत सारे लैपटॉप में इस प्राइस रेंज में अक्सर नहीं मिला करते हैं। लैपटॉप जैसे जैसे पतले होते जा रहे हैं, ईथरनेट पोर्ट हटता जा रहा है, इसमें वो भी है। USB-C में आपको पावर डिलीवरी वगैरह का भी सपोर्ट मिल जाएगा, डिस्प्ले पोर्ट का भी सपोर्ट मिल जाएगा, तो यहाँ पर किसी बात में कोई कमी नहीं छोड़ी गई, और अब कम्प्लीटली फीचर पैक लैपटॉप आपको इस बजट में मिल जाता है। अगला लैपटॉप जो आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, यह है ऑनर का मैजिक बुक X14 Pro, और इसमें लगा हुआ है इंटेल का कोर i5 13420H। एक बात मैं आपको बता दूँ कि जो भी लैपटॉप आप खरीद रहे हो, अब क्योंकि ये 2024 चल रहा है, आधा साल बीत चुका है, जुलाई है, और इस हिसाब से आपको सिर्फ और सिर्फ 13th जनरेशन इंटेल वाले प्रोसेसर के लैपटॉप खरीदने चाहिए, या फिर अगर आप AMD में खरीद रहे हो तो आपको एटलीस्ट 7000 सीरीज वाले लैपटॉप खरीदने चाहिए। अभी 8000 सीरीज के कुछ लैपटॉप्स आना शुरू हो गए हैं, तो ठीक है, मतलब अगर वो जब तक नहीं आ रहे हैं तो अभी आपने खरीदना, अगर अर्जेंटली तो वही खरीदना पड़ेगा 7000 सीरीज। मैजिक बुक X14 Pro में आपको काफ़ी ज़्यादा फंक्शनैलिटी मिल जाएगी, मतलब इंटेल का कोर i5 13420H लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा सा प्रोसेसर होता है, 16 GB रैम, 512 GB SSD, और आपको एक अच्छा सा IPS डिस्प्ले मिलता है, मेटेलिक से बिल्ड क्वालिटी मिलती है, पावर डिलीवरी USB-C में मिल जाती है, और इसमें वाईफाई 6 वगैरह का भी सपोर्ट दिया हुआ है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर नहीं होने वाली। एक जो चीज़ इसमें नहीं मिलती है वो है इसमें विंडोज़ ऑफिस नहीं मिलता है, तो आपको वो चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वैसे ये लैपटॉप में आपको बाकी सब कुछ सही मिलता है, 60 Wh की बैटरी कैपेसिटी भी है, और 65 W का एक अच्छा सा चार्जर भी, 100% sRGB भी है, तो मतलब आपको कलर एक्यूरेसी मिल रही, थोड़ी वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करनी हुई तो इस लैपटॉप में आप कर पाओगे। हालांकि कोई डेडिकेटेड ग्राफिक नहीं है, तो बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस आप मत एक्सपेक्ट करना, बस H सीरीज़ के जो इंटेल प्रोसेसर है उसका फ़ायदा आप उठा पाओगे, काफ़ी अच्छे हाई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड प्रोसेसर होती थी। अगला लैपटॉप मुझे आपको बताना चाहूँगा, ऐसे इसका क्रिएटर सीरीज़ का व्यूबुक 14X। अब इस लैपटॉप को रिकमेंड करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसमें जो है ना RTX का 2050 का ग्राफिक कार्ड मिलता है डेडिकेटेड वाला, आपको ये ज़्यादा फंक्शनैलिटी मिल जाएगी, 14 इंच का लैपटॉप है, और साथ में इसमें 90Hz का एक OLED डिस्प्ले भी है, मतलब ये बात गजब की लगी मुझे। मतलब अब आप कहोगे कि इसमें तो 13th जनरेशन का प्रोसेसर नहीं, मैं लैपटॉप क्यों खरीदूं? इस 12th जनरेशन को मेरा रिकमेंड करने का मेजर गोल ये था, क्योंकि मुझे बाकी सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव लगी कि अब हमें प्रोसेसर पर अगर सिर्फ एक ही जनरेशन कम्प्रोमाइज़ करना है तो हम कर सकते हैं, क्योंकि 13th और 12th जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का हल्का सा जो है माइन्यूट सा फर्क था। अगर इसमें 4.4 है तो इसमें 4.5 हो गया है नए जनरेशन में, तो जस्ट 0.1 GHz या 0.2 GHz इतना ही फर्क होता है, और साथ में यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है RTX 2050 की, 4GB का डेडिकेटेड ग्राफिक, और प्लस OLED डिस्प्ले भी, जिसमें आपको 100% DCI-P3 कलर ग्रेडिएंट भी मिलता है। तो मतलब आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, 60,000 का बजट है, और आपको एक गेमिंग लैपटॉप नहीं खरीदना है, तो जस्ट गो फॉर दिस लैपटॉप।
एक बात आप ध्यान में रखें, इसमें बैटरी लाइफ नहीं मिलेगी क्योंकि डेडिकेटेड ग्राफिक लगा हुआ है और बहुत ही पतला लैपटॉप है। अगला लैपटॉप मैं जो आपको बताना चाहता हूँ डेल की तरफ से आने वाला लैपटॉप वॉस्ट्रो सीरीज का है। ऑफकोर्स ये है 15 इंच का लैपटॉप। अगर आपको 15 इंच में कोई लैपटॉप खरीदना है डेल जैसे ब्रांड की तरफ से, डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। इंटेल का कोर i5 1334U मिलता है। 34U में एक अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है ना, मतलब आपको 4.6 गीगाहर्ट्ज़ तक की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलने लग गई है, तो ये काफ़ी अमेजिंग सी बात है। तो डेल का ये लैपटॉप में आपको 16GB की रैम भी मिलती है। अब डेल वालों ने यहीं पर एक कंजूसी कर दी, DDR5 रैम नहीं लगाई है, मतलब ये थोड़ा सा जो है बड़े ब्रांड्स का अपना बड़ा ही नखरा होता है, तो इसलिए यहाँ पर आपको कोई भी DDR5 रैम नहीं मिलती है। 512GB की आपको SSD मिल जाती है, WVA डिस्प्ले है 120Hz का, विंडोज 11 MS Office भी प्री इंस्टॉल होकर मिल जाता है। अगला लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, अब यहाँ से थोड़े से मतलब 60,000 से ऊपर के बजट वाले के लैपटॉप में बताऊंगा, Asus का VIVO X16। इसमें लगा हुआ इंटेल कोर i5 13500H, काफी अच्छा सा प्रोसेसर है, 8GB की रैम, 512GB SSD, विंडोज 11 MS Office, बैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट रीडर, ये सब कुछ मिल जाता है और पावर डिलीवरी वगैरह का भी सपोर्ट इस लैपटॉप में दिया हुआ है। इसमें जो ये एच सीरीज का प्रोसेसर लगा है 4.7 GHz तक इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जाती है और साथ में 12 कोर भी होते हैं, तो आप इसमें थोड़े कॉम्प्लेक्स से टास्क कर पाओगे। अगर आपको थोड़ा कोडिंग वगैरह ज्यादा करनी है, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग ऐसा कुछ करना है, इस लैपटॉप पे जा सकते हो। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जिस लैपटॉप में RTX 2050 जैसा आपको डेडिकेटेड ग्राफिक मिले या फिर उससे हायर कुछ मिले, तो फिर वो ज़्यादा अच्छी वीडियो एडिटिंग करेगा। सिर्फ प्रोसेसर पे वीडियो एडिटिंग नहीं डिपेंड होती, क्योंकि जब भी आप रेंडर करोगे ग्राफिक कार्ड का उसमें काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। अगला लैपटॉप जो आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, Lenovo का IdeaPad Slim 3, और ये भी 15 इंच का लैपटॉप है। इसको रिकमेंड करने का मेन रीज़न ये है कि यहाँ पर आपको इंटेल कोर i7 मिल जा रहा है 13620H, काफ़ी अच्छा सा प्रोसेसर है ये, 16GB रैम के साथ में भी आता है ये लैपटॉप, विंडोज 11 और MS Office भी प्री इंस्टॉल्ड होकर आता है। बाकी इस लैपटॉप में कोई भी कंप्रोमाइज़ भी नहीं किया गया है, सभी कुछ आपको नंबर ऑफ पोर्ट्स वगैरह मिल जाते हैं, डिस्प्ले पोर्ट और पावर डिलीवरी का तो वो टाइप सी के थ्रू हो जाता है। काफी बढ़िया सा ये जो लैपटॉप रहेगा, एक फुल HD IPS डिस्प्ले है 15 इंच के डिस्प्ले में और 300 nits की ब्राइटनेस भी है, साथ में 16GB की आपको DDR5 रैम मिलती है 4800 MHz वाली। अब i7 13620H में जो है ना 4.9 GHz की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ज्यादा मिल जाती है, लेकिन नंबर ऑफ कोर्स थोड़े कम है, सिर्फ 10 है, तो इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। बाकी ये लैपटॉप को खरीदने का पर्पस अगेन वैसा ही पर्पस रहेगा, आप डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अगर आपको ये लैपटॉप सही लगता है दिखने में, तो IdeaPad Slim 3 की जो सीरीज़ है ऐसा नहीं कि बहुत ही खास प्रीमियम लुक एंड फील के साथ में आते हैं, लेकिन ठीक ठाक होते हैं, मतलब जनरली आप देखोगे जैसे डेल के या फिर और किसी लैपटॉप से दिखने में ज़्यादा सही दिखते हैं ये। अब अगर आपको एक लैपटॉप खरीदना है और आपको मतलब एप्पल का लैपटॉप खरीदना है, तो ये आप खरीद सकते हो, मतलब अभी की डेट में ये आपको 70,000 के अराउंड में प्राइस मिल जाएगा, इसलिए मैंने इसको 70,000 के ही कैटेगरी में डाल दिया है। 13 इंच का ऑफकोर्स एप्पल मैकबुक M1 चिप वाला है, काफ़ी ओल्ड सा लैपटॉप है, 8GB रैम, 256GB वाला ही स्टोरेज मिलेगा, यही वेरिएंट आप 70,000 में खरीद सकते हो। इससे हायर वेरिएंट के लिए फिर वही 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ जाते हैं। अब इसको खरीदने का मेजर पर्पस यही हो सकता है, एक तो आपको अच्छा लोगो चाहिए ना एप्पल का, तो वो आप कर सकते हो, बाकी इस लैपटॉप को में आप अच्छी खासी वीडियो एडिटिंग कर पाओगे। जैसी वीडियो एडिटिंग आपको वो Asus VIVOBOOK करके देगा डेडिकेटेड ग्राफिक वाला, वैसी ही ऑलमोस्ट उससे इवन बेटर लेवल की वीडियो एडिटिंग ये करके दे देगा, क्योंकि मैकबुक के केस में ये काफ़ी डिफरेंट होता है। प्रॉब्लम बस इतनी सी है, अब जैसे कि स्टोरेज नहीं है तो फिर आपको 10,000 की SSD लेनी पड़ेगी, फिर उसके बाद उसको कनेक्टर अलग से लेना होगा, क्योंकि अब ये M1 चिप का है छोटा सा लैपटॉप, दो ही टाइप सी पोर्ट इधर एक साइड में होते हैं, दूसरा वाले में आप कुछ माउस ही लगाए रखोगे, तो फिर जो है एक तरह से नंबर ऑफ पोर्ट की पूरी पूरी कमी हो जाती है। तो इसके साथ अपने अलग ही कुछ खर्चे और भी होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि 70,000 आपने डाले और बस जो है वीडियो एडिटिंग चालू, ऐसा नहीं होगा, आपको कुछ और भी खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका पर्पस जो ट्रैवल ओरिएंटेड या फिर आप ब्लॉग वगैरह बनाते हो जिसमें बहुत ज़्यादा हाईफाई एडिटिंग नहीं करनी है, ऑन द गो आप इवन लैपटॉप के ट्रैकपैड से भी सब कुछ कर सकते हो, तो फिर ठीक है, मतलब उस केस के लिए। अगला लैपटॉप जो आपको बताना चाहता हूँ ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, Acer का Aspire। अब ये जो Acer Aspire 5 गेमिंग लैपटॉप, ये 15 इंच का नहीं 14 इंच का है, और उस हिसाब से इसका वेट मतलब नॉर्मल 14 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, और इसीलिए मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ इवन एवरीडे यूज टाइप के लैपटॉप की कैटेगरी में, क्योंकि इसमें आप अच्छी खासी वीडियो एडिटिंग वगैरह आराम से कर पाओगे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर पाओगे, IPS डिस्प्ले भी यहाँ पर दिया हुआ है, और जिसमें आपको ना एक बढ़िया सा LPDDR4 रैम मिलता है, प्लस इसमें आपको 32GB तक वो एक्सपेंडेबल भी है, तो इवन अगर आपको बाद में एक्सपेंड भी करना है तो ज़्यादा ऑप्शन है आपके पास। i7 1355U ही है, तो आपको बैटरी लाइफ भी ठीक ठाक से मिल जाएगी इस लैपटॉप में, हालांकि आप कोई इंटेंस प्रोसेसिंग कर रहे होगे तो वहाँ
उतना नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ठीक है, फिर भी एक नॉर्मल लैपटॉप से बेटर ये परफॉर्म करेगा। यहाँ पर भी थंडरबोल्ट 4 का सपोर्ट वगैरह दिया है और साथ में HDMI 2.1 है, तो अप टू 8K का जो है रेजोल्यूशन का मॉनिटर भी ये सपोर्ट करता है, जो कि इसको काफ़ी अलग बना देता है अपने आप में। अगला लैपटॉप जो आपको बताना चाहता हूँ वो है ना Asus का Vivobook 15, और ये जो है OLED डिस्प्ले के साथ में आता है। कई बार मैं इसे रिकमेंड कर चुका हूँ ऑलरेडी, और अब ये मिल रहा है सिर्फ 63,000 का, विच इज़ वेरी नाइस प्राइस फॉर दिस। मतलब मुझे पता है कि ये लैपटॉप जब लॉन्च हुआ ऐसे 81,000 पे, 81-82 पे मिल रहा था, जस्ट पिछले साल की बात है, एक साल पहले, और इसका प्राइस ड्रॉप होकर 63 है। तो अब ये जो है ना सबसे सही प्राइस ब्रैकेट पे लेने वाला लैपटॉप है, और वो भी 13500 है, आपको लेटेस्ट प्रोसेसर भी मिल रहा है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी सही डील पे है ये लैपटॉप। आपको एक अच्छा डिस्प्ले चाहिए अपने लैपटॉप में और ठीक ठाक सी परफॉर्मेंस चाहिए, कोडिंग वगैरह करनी है आपको, या फिर आपको इवन ग्राफिक डिजाइनिंग, फोटो एडिटिंग ऐसा कुछ करना है तो वो उसके लिए भी अच्छा है। 16 GB की रैम, 512 GB की SSD, इंटेल i3 का सपोर्ट है, विंडोज 11, MS ऑफिस, बैकलिट कीबोर्ड सब कुछ दिया हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली। अगला लैपटॉप मुझे आपको बताना चाहता हूँ लिनोवो का आइडियापैड स्लिम 5, इसमें लगा हुआ है इंटेल का कोर i5 13500H, सेम प्रोसेसर है जो वीवोबुक पे था, तो दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। यहाँ पर फर्क है एक चीज का, जो है IPS डिस्प्ले का और OLED डिस्प्ले का। OLED डिस्प्ले के लैपटॉप में थोड़े पंची कलर्स दिखेंगे और IPS डिस्प्ले वाले ऑलमोस्ट नॉर्मल से दिखेंगे, तो इस हिसाब से आपको सोचना है कि आपके डिस्प्ले का प्रेफरेंस कैसा होना चाहिए। वैसे डिस्प्ले वगैरह पे कुछ लैपटॉप के वीडियो है मेरे चैनल पे, वो जाके आप देख सकते हो। बाकी इस लैपटॉप में और कोई खास डिफरेंस लगा नहीं मुझे। 56 वॉट आवर की बैटरी कैपेसिटी है, जबकि वीवो बुक में भी आपको 50 वॉट आवर मिलती है, तो थोड़ा सा ज़्यादा बैटरी लाइफ आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगला लैपटॉप मैं आपको बताना चाहता हूँ ये भी लिनोवो आइडियापैड स्लिम 5 की ही तरफ से है, और जब मैंने इसे इंक्लूड किया था तो ये काफ़ी सस्ता था। अच्छा 1 TB वाला नहीं, 512 GB वाला है। तो ये लैपटॉप आपको नहीं खरीदना है, मतलब ये लैपटॉप एक्चुअली जब मैंने इसे इनलिस्ट किया था तो 70,000 के नीचे था, और फिर इसका प्राइस भी आप चेक करते रहना, क्योंकि वैसे भी अभी प्राइम डे सेल वगैरह आएगी तो मैं लिस्ट में डाल दे रहा हूँ। अभी इसका प्राइस वैसे बदल चुका है, 5,000 रुपये एक्स्ट्रा हो गए, जब मैंने इसे इंक्लूड किया था तो 69,990 का था। मे बी इसका जो है प्राइम डे पे प्राइस फिर से ड्रॉप हो जाए। इसको मेन रीज़न ये है ना कि इसमें आपको 1 TB की SSD मिल रही है, और ये OLED डिस्प्ले का भी लैपटॉप है 400 nits का, तो ये काफ़ी सही लैपटॉप है इस बजट के हिसाब से, अगर आपको 69,000 में मिल जाइए। 16 GB की रैम, 1 TB की SSD, ये सब कुछ आपको मिल ही जाता है, और 14 इंच की कैटेगरी का लैपटॉप है। बड़ा ही सही लैपटॉप है, अगर आप इसे खरीदना चाहते हो दिस इज़ वन ऑफ द लैपटॉप्स यू कैन गो विथ। हालांकि ऐसा कोई हाई रेजोल्यूशन नहीं है, ऑलमोस्ट फुल HD रेजोल्यूशन ही है, लेकिन रैम जो है ना ज़्यादा है अच्छी, 5200 MHz वाली रैम है। बाकी इसमें वो मिलिट्री स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेशन वगैरह भी मिला हुआ है, तो वो सब कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली। पावर डिलीवरी और डिस्प्ले पोर्ट ये सब कुछ है, तो वो टाइप सी में आपको मिल जाता है। 56 वॉट आवर की बैटरी कैपेसिटी भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है। एक सबसे आखिरी लैपटॉप जो बताना चाहता हूँ 70,000 के प्राइस में, सैमसंग का गैलेक्सी बुक 4। अगर आपको उस डिज़ाइन पे फोकस होकर लैपटॉप खरीदना है, जैसे कि गैलेक्सी बुक 4 का जो पर्टिकुलर डिज़ाइन मुझे काफ़ी सही लगा, इवन शोरूम में मैंने देखा तो बहुत ही स्टैंड आउट सा करता है, दिखने में काफ़ी सही लगता है ये, इस हिसाब से आप सोच सकते हो। लेकिन वैसे ये काफ़ी अंडर पावर्ड सा लैपटॉप है, आपको इस बजट में फार बेटर परफॉर्मेंस वाले लैपटॉप मिल जाते हैं, जबकि इसमें आपको सिर्फ i3-1335U सीरीज़ का ही प्रोसेसर मिलता है, H भी नहीं है या फिर P भी नहीं है, तो यहाँ पर ना ही कोई डेडिकेटेड ग्राफिक वगैरह है। हालांकि विंडोज 11 होम, MS ऑफिस, फिंगरप्रिंट रीडर ये सब कुछ मिल जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको वही आयरिस XE मिलेगा, इंटीग्रेटेड वाला सा ग्राफिक, और रैम भी LPDDR4X ही है, 5 नहीं है, LPDDR5 नहीं है, तो थोड़ी रैम भी स्लो है एक तरह से देखा जाए। हालांकि आपको जो LAN पोर्ट भी मिल जाता है, Wi-Fi 6 भी मिल जाता है, चार्जर भी बहुत ही हल्का सा है, मॉडरेट सा है। तो बस इस लैपटॉप को रिकमेंड करने का क्या मतलब है मेरा, वो ये मतलब है कि हाँ डिज़ाइन वाइज ऑफ कोर्स ये अच्छा है, लेकिन मैं हाईली रिकमेंड इसे नहीं करता हूँ, इसलिए इसे लास्ट में मैं रख दे रहा हूँ। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, सभी लैपटॉप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और स्टॉक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन।